नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसके अंदर आपने विंडोज़ 7 कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। साथ में आपको बूटेबल पेन ड्राइव या नहीं तो CD होनी चाहिए आपके पास। अगर CD नहीं, आजकल आप मार्केट में कहीं से भी परचेस कर सकते हैं कंप्यूटर की दुकान से बूटेबल पेन ड्राइव, तो वो 300-400 रुपये में बना देते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो वीडियो की लेटेस्ट वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने क्या करना है, एक हमारे पास पेन ड्राइव चाहिए जिसके लिए हमने विंडोज़ डालनी है। तो हमने इसके अंदर विंडो डालनी है अभी। तो दोस्तों, ये पेन ड्राइव है, अब हमें इसको कंप्यूटर के पीछे लगाना है USB पोर्ट में। USB पोर्ट तो हर कोई जानता है, तो आपने क्या करना है, USB पोर्ट में लगाना है। पहले इसको क्या करना है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो आपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दो या बंद कर दो। जब कंप्यूटर बंद हो जाए उसी टाइम में लगाना है, या आप कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। वहाँ से बंद करने के बाद आप इसको पेन ड्राइव का लगाओ, उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा, और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया और जो पेन ड्राइव कंप्यूटर के पीछे लगा दी है। अब हमने क्या करना है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। अगर कंप्यूटर आपका P4 है या ड्यूल कोर है या कोर टू ड्यूल है, तो हर किसी के ऊपर BIOS की सेटिंग होती है, किसी की डेल से होती है, या तो किसी की F12 से होती है या किसी की F2 से होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हमने कीबोर्ड के इसके ऊपर देखना, स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। तो ये कह रहा है तो डेल दबाने से आपका BIOS आएगा। तो आप देख रहे हैं ये BIOS है। तो BIOS के अंदर कैसे जाते हैं, या तो F2 से आते हैं, जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो उस टाइम आपने कीबोर्ड को कंटिन्यू दबाना है, F2 या F12 या डेल। तो सबसे पहले आता था F2, उसके बाद आता है डेल एक कॉमन है, और उसके बाद अब आता है F12। तो हमने क्या करना है, जब हमने मान लो कि हमने स्टार्ट एडवांस में जाना है, तो एडवांस के ऊपर आपने देखा है कि बूट डिवाइस प्रायोरिटी, ये आप देख रहे हैं बूट डिवाइस प्रायोरिटी, इसके ऊपर आपने टिक करना है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है या CD room है, तो आपको यहाँ पर CD room सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास CD room नहीं है तो आप पेन ड्राइव से करें, तो आपने इसमें जाना नीचे हार्ड डिस्क ड्राइव में, ये जो तीसरा है इसमें जाना है हार्ड डिस्क ड्राइव में, और फिर आपने एंटर मारना है। और आपने जो फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर हार्ड डिस्क होती है, ऐसे होता है, जब आपको पेन ड्राइव फर्स्ट करनी है तो पेन ड्राइव के ऊपर टिक करना, जाकर नीचे करके एंटर। अब पेन ड्राइव फर्स्ट होगी, सेकंड हार्ड डिस्क होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, F10 दबाते हैं। तो F10 दबाने के बाद क्या होता है, आपका जो सिस्टम है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव किया, वो सेव हो जाएगी। अब हमारा सिस्टम जो है पेन ड्राइव से बूट होगा। ये विंडो 7 से हो रहा है, तो ये बता रहा है कि विंडो सेटअप EMS अनेबल्ड, तो हमने इसके ऊपर टिक मारना है। सभी ने ध्यान से देखना क्या चीज़ आ रही है, हमने एंटर मार दिया। अब हमारा जो है बूट विंडो स्टार्ट हो गई है, नीचे बता भी रहा है विंडो स्टार्ट इज लोडिंग। जो पहला ऑप्शन होता है अपने उस पर टिक करना होता है, एंटर मारना है, उसके बाद आगे जाना है। अब विंडो आपकी स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलेशन।
जब हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, या तो तब हम फॉर्मेट मारते हैं या तो कोई फाइल मिस हो जाती है उसके लिए हम फॉर्मेट मारते हैं। फॉर्मेट मारने से क्या होता है, कंप्यूटर आपका फ्रेश हो जाता है, वायरस ख़त्म हो जाता है और सिस्टम की स्पीड फास्ट हो जाती है। साल में आपको ज़्यादा नहीं तो एक या दो बार फॉर्मेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी हम जो काम करते हैं उसकी टेम्प्रेरी फाइल बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, जिनको डिलीट करने के लिए फॉर्मेट ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जब तक ये कुछ भी ना मांगे तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है। जब ये जैसे ये मैसेज शो करेगा तो आपने देखना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ही आगे करना है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी वो होती है कि जहाँ पर हमें जो मेन काम करना होता है वो है इसके पार्टीशन के पास, जहाँ पर हम विंडो डालते हैं। कैसे डालते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, क्लियर। क्योंकि जब भी आप विंडो डालो तो आपको ये ना प्रॉब्लम हो कि आपका डाटा लॉस हो जाए। डाटा कॉपी करते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट कॉपी कर ले करो, उसके बाद आप विंडो डालें, ना कि आपने विंडो स्टार्ट कर दी फिर डाटा सेव नहीं हो सकता आपका।